राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में एक बार फिर सियासी उठापटक देखी जा रही है। सचिन पायलट गुट के विधायक पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट है, जिसकी खबरें भी लगातार सामने आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सूत्रों की माने तो पूर्व कालिक अध्यक्ष की जुलाई में नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार होने के आसार नजर आ रहे हैं। सचिन इनमें से 6 या 7 पद अपने लिए चाहते हैं। बता दें, राजस्थान में कुल मंत्रियों की संख्या 30 हो सकती है। अभी 21 मंत्री है, जबकि 9 सीटें अभी खाली है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट 9 खाली पदों में से 6 से 7 मंत्री पद अपने समर्थकों के लिए चाहते हैं। पायलट की ख्वाहिश है कि उनके करीबी विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए, लेकिन अब खबर है कि सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ एक बड़ा ऑफर दिया गया है। इस ऑफर के तहत उन्हें 6 मंत्री पद सहित निगम और बोर्डों में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि किसी भी सूरत में 3 से ज़्यादा मंत्री पद नहीं मिलेंगे। वैसे अभी भी बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो अब सचिन पायलट को ही फैसला लेना है। पार्टी सूत्र कहते हैं कि पहले सचिन को AICC में लाकर महासचिव बनाने के साथ किसी राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर दिया गया था। यही नहीं, अब उनके लिए थोड़ा और महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। अगर वे 3 मंत्री पद पर मान जाए, वही कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर सचिन पायलट मान जाए तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द कर दिया जाएगा। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को यह देखना है कि सचिन की मांग के अलावा 18 निर्दलीय और BSP से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की भी आकांक्षा कैसे पूरी की जाए। पायलट बनाम गहलोत विवाद के बीच सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उन विधायकों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना है जो 6 या 7 बार से जीतते रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी और CM अशोक गहलोत का तर्क है कि 9 मंत्री पद खाली है। इसमें BSP के 6 विधायकों और निर्दलीय में से कुछ को मंत्री बनाना है, वही कुछ गहलोत कैंप से मंत्री बनेंगे, इसलिए सचिन पायलट को 3 से ज़्यादा मंत्री पद दे पाना संभव नहीं है। इधर आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता है। सचिन को उनके साथ समन्वय से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सचिन ही राज्य में पार्टी के भविष्य है। वही पार्टी अब सचिन के दबाव में नहीं आने वाली है। अब बाजी पायलट के हाथ में है। जयपुर में अपने समर्थक विधायकों और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद पायलट फैसला लेंगे। अगर पायलट 3 मंत्री पद के लिए मान जाते हैं तो गृह मंत्रालय जैसे भारी विभाग दिया जा सकता है। पायलट गृह मंत्री भी बन सकते हैं। अमूमन गृह मंत्रालय या तो मुख्यमंत्री रखते हैं अपने पास, या दूसरे नंबर के नेता को दिया जाता है। हालांकि गृह विभाग आसानी से नहीं छोड़ेंगे CM गहलोत, लेकिन इस सियासी विवाद को निपटाने का बस यही है एकमात्र विकल्प। इसलिए CM गहलोत को भी अपने कदम पीछे खींचना होगा, मगर ये सब मुमकिन है जब सचिन पायलट मान जाए, तब वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 महीने का होम क्वारंटाइन भी बाधा बन सकता मंत्रिमंडल विस्तार में। लेकिन इस पर भी आई सियासी जानकारों का कहना है कि अगर पायलट 3 मंत्री पद के लिए भर देते हैं, हाँ तो CM अशोक गहलोत भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राज्यपाल को पत्र लिख देंगे। सारी बातों का जवाब राजस्थान में इसी महीने जल्द से जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का काम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।